हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के वीडियो में जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो IIT जब में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फंक्शन जो हमें दे रखा है x³ + ax² + bx हैज लोकल मिनिमा। ये वर्ड इम्पॉर्टेंट है, लोकल मिनिमा एट x = 4 एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मिनिमा हमारा x = 4 पर है और जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोला है वो x = 1 पर है। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी वो हमें बतानी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें फंक्शन क्या दे रखा है वो लिखो आप, x³ + ax² + bx, ये चीज़ हमें दे रखी है। तो लोकल मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए आपको डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव कितनी बार करना है, कम से कम 2 बार। तो पहली बार डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x² + 2ax + b। एंड अगेन करेंगे डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 6x + 2a। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसे इक्वेशन 1, इसे 2 और इसे 3 मान लेते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, बोलना है जो लोकल मिनिमा आता है वो x = 4 पे आता है। ठीक है, लोकल मिनिमम हमारे कितने पे आ रहा है, x = 4 पे आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी लोकल मिनिमा के लिए करते हैं तो जो सिंगल डेरिवेटिव होता है वहाँ पर बात रखनी होती है। ठीक है, सिंगल डेरिवेटिव पर लोकल मिनिमा के लिए, और जब बात करेगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए तो आपको बात करनी होती है डबल डेरिवेटिव के लिए। तो आप क्या करोगे, फॉर लोकल मिनिमा एट x = 4, बस क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू रखनी है। ठीक है, और f(x) को 0 रख दिया जाता है x के प्लस वैल्यू रखकर, तो 3 4 की पावर 2 + 2a 4 + b इसको =0 कर दो, तो यहाँ से 4 * 16 = 48 + 8a + b = 0। ये एक इक्वेशन आया, इसे इक्वेशन ए मान लो। एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन किस पॉइंट पर दे रखा है, हमें x = 1 पर, यानी कि इस चीज़ को x + 1 रखना है और उसको पुट कर देना है इसे भी 0 के इक्वल, यानी कि 6 × 1 + 2a = क्या हो जाएगा, 0, यानी कि 2a = -6, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। अब a की वैल्यू मिल गई है, यहाँ पुट कर दो तो b की वैल्यू भी मिल जाएगी, तो 48 + 8 × -3 + b। ठीक है, तो 48, देखिए ये 8 है ना, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया था तभी गड़बड़ आ रहा था, 8 + 3 = 24 है यहाँ पर। ठीक है, तो 48 × 2 कितना जाएगा, 24, किसका, माइनस का। तो ए की वैल्यू -3 है, बी की वैल्यू -24 है, तो आंसर आपका कौन सा ट्रू चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, -3 और -24। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन मैंने पहले ही करा रखे हैं जिनकी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वीडियो को देख सकते हैं।